दुनिया भर में बदलते परिवेश के साथ ही पारिवारिक रिश्तों की अहमियत भी कम होती जा रही है। सहनशीलता कम होने से पिता और बेटे के रिश्ते भी खून में रंगे जा रहे हैं। रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना ने रिश्तों के खोखले ताने बाने को समाज के सामने ला दिया है। दरअसल एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए विपद सत्ता की सभी हदें पार कर दी। 5 महीने के बाद यह राज खुला तो लोगों के होश उड़ गए। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र में वैष्णो देवी मंदिर के पीछे करीब 5 माह पूर्व एक शख्स की अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी मृतक के नाबालिग बेटे और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पिता छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बेटे और बेटी की पिटाई कर देता था। इस बात से नाराज बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल को देखकर अपराध से जुड़े सभी साक्ष्य भी मिटा दिए। यही नहीं, इस काम में आरोपी की मां ने भी उसका पूरा सहयोग किया था। बता दें कि करीब 5 माह पूर्व 3 मई 2020 की शाम वृंदावन में वैष्णो देवी मंदिर के पीछे एक खाली प्लाट में एक शख्स की अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मृतक की शिनाख्त मनोज मिश्रा उर्फ आनंदेश्वर चैतन्य दास निवासी गण विनोद बिहारी कुंज कालिंदा विहार कॉलोनी नियर पुराना कालीदह वृंदावन थाना के रूप में हुई। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि मृतक मनोज मिश्रा का गुस्सेले स्वभाव ही उसकी मौत की वजह बन गया। उन्होंने बताया कि मनोज जरा जरा सी बात पर गुस्सा होकर अपने बेटे और बेटे की पूरी तरह से पिटाई कर दिया करता था। अधिकारी ने बताया कि घटना से पूर्व भी घर में जब मनोज सो रहे था तो उनका बेटा बर्तन लेकर घर में मंदिर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बर्तनों की कुछ आवाज हुई और मनोज की नींद खुल गई। नींद से उठे मनोज ने उठकर गुस्से में अपने 17 वर्षीय बेटे की पिटाई शुरू कर दी, जिस पर बेटे ने पास ही में पड़ी लोहे की रॉड से अपने पिता के सिर पर हमला कर दिया। इस दौरान मनोज जमीन पर गिर पड़े और बाद में बेटे ने उनका गला भी दबा दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखता था और उसी को देखकर उसने बड़ी सफाई से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी ने मृत पिता की बॉडी को एक बोरे में भरकर मां की मदद से स्कूटी पर लादा और वैष्णो देवी मंदिर के पीछे एक खाली प्लॉट में एसिड व पेट्रोल डालकर जला दिया। इस घटनाक्रम को आत्महत्या दर्शाने के लिए मृतक का चश्मा चप्पल उसकी माला को जलते हुए शव के साथ डाल दिया। लोहे की रोड को छठी करार रुक्मणी विहार मार्ग पर खाली प्लॉट में फेंक दिया। वहीं पर एसिड की खाली बोतल, शव को ले जाने में प्रयुक्त बोरा व गला दबाने में इस्तेमाल धोती को जला दिया। यह सब सामान घर का था, इसलिए सामान को शव जलाने के स्थान से अलग स्थान पर जलाया। रोड को इसलिए फेंक दिया ताकि फिंगरप्रिंट ना सके। एसपी सिटी ने कहा कि घटना के बाद पहले तो मृतक का बेटा और उसकी मां एक ही कहानी बता रहे थे, लेकिन शक होने पर जब दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सच्चाई बाहर आई। उन्होंने बताया कि आरोपी बेटे और घटना में उसका सहयोग करने वाली उसकी मां संगीता मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, स्कूटी व 2 मोबाइल फोन, 2 एसिड की बोतलें बरामद की गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट सस्ता होने के बाद हमारी जिंदगी में इनकी उपयोगिता बढ़ी तो जरूर है, लेकिन बच्चों के हाथ में इनका होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए मथुरा से आई ये खबर हर माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है। खासकर अगर घर में बच्चे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज के शौकीन हो तो उनकी पसंद को लत नहीं बनने दे, क्योंकि मथुरा में एक नाबालिग ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और उसे इसका आइडिया मिला क्राइम पेट्रोल से। दिनांक 3 मई 2020 को वैष्णो धाम मंदिर के पीछे जंगल की एरिया में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास थी, वो पुलिस को मिली। डेड बॉडी के पास से कुछ उनके व्यक्तिगत सामान मिले, जैसे कि चश्मा, उनकी माला और उनके चप्पल जले हुए इत्यादि सामान भी पुलिस को वहाँ से मिले थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम की गहराई से छानबीन करी
उनके परिवारजनों से कई राउंड पुलिस ने वार्ता करी और गहनता से छानबीन करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह घटना मृतक के नाबालिग बेटे द्वारा कारित की गई थी और साक्ष्य को छिपाने में उक्त अभियुक्त की मां द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस घटना में वृंदावन पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को, जिसमें एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और घटना में सम्मिलित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.